वैश्विक महामारी के दौरान जय गुरुदेव आश्रम ने गरीब असहाय दिहाड़ी मजदूर और रोज खाने कमाने वाले लोगों का पेट भरने का जिम्मा उठाया। प्रतापगढ़ शहर के चिलविला स्थित जय गुरुदेव आश्रम को वॉलंटियर द्वारा लगातार ढूंढ ढूंढ कर गरीब असहाय मजदूरों को खाना खिलवाया जा रहा है। इसी बीच बातचीत करते हुए जय गुरुदेव आश्रम के अजय सिंह ने बताया कि पंकज जी महाराज के निर्देश पर लगातार गरीबों का पेट भरा जा रहा है और उनकी भूख मिटाई जा रही है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में अभी चिलपिला, कुंडा और लालगंज में उनके सहयोगियों द्वारा गरीबों और भूखों को भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन मुहैया करवाया गया है। तो चिलविला का जो इधर कई क्षेत्र है, प्रतापगढ़ के कई क्षेत्र हैं जहां हमको जरूरत लगी, जहां प्रशासन ने हमको दिया, हम लोग वहां खाना दे रहे हैं और हम लोग दोनों टाइम सुबह और शाम दोनों टाइम खाना दे रहे हैं। और हमारा जो ये वितरण का कार्यक्रम है ये लगातार सुबह से शाम तक चलता है और 3 गाड़ियाँ हमारे पास हैं, तीनों गाड़ियों से हम लोग वितरण करते रहते हैं। उद्देश्य हमारा यही है, हमारे संस्था के जो संस्थाध्यक्ष हैं खुद पंकज जी महाराज, उनका यही कहना है कि इस लॉकडाउन में जो महामारी है उसके भीतर कोई भूखा न सोने पाए, तो हम लोग ढूंढते रहते हैं, हमारी टीम भी चलती रहती है, वॉलंटियर हमारे ढूंढते रहते हैं, जहां कहीं भी कोई मिलता है हमको दिखता है कि उसको दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है और राशन नहीं है उसके पास, तो हम लोग उसके लिए काम करते रहते हैं।